वेल गाइस वेलकम टू WWE। मैट रिडल फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन किस सुपरस्टार ने ऐसा कहा है। रोमन रेंस के WWE शेड्यूल के बारे में भी अपडेट आ चुकी है और स्टेफनी मैकमैन क्यों WWE को छोड़ने वाली है इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अपडेट होने वाली है, तो ये वीडियो होने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट रिडल के बारे में। तो मैट रिडल को एक सुपरस्टार ने फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन कहा है। तो कौन है सुपरस्टार? तो ये सुपरस्टार है रैंडी ऑर्टन, यानी कि उनके पार्टनर रैंडी ऑर्टन ने कहा है कि जो मैट रिडल है वो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। दरअसल होता है कि जो WWE अपने ट्विटर पर ट्वीट करती है, जहां पर RK ब्रो और चाउसूस बीच हमें स्मैकडाउन में जो मैच देखने को मिलने वाला है उससे रिलेटेड वो ट्वीट करती है। उसी ट्वीट को रीट्वीट वो करते हैं और उसके बाद वो उसमें लिखते हैं कि जो मैट रिडल वो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैट रिडल जरूर ही फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है। इसके बाद वो कहते हैं कि इससे पहले हमें स्मैकडाउन में टैग टीम टाइटल का यूनिफाई करना है, क्योंकि स्मैकडाउन में हमें स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल और रॉ टैग टीम टाइटल बीच यूनिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, इसलिए हमें ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ऐसा कहते हैं रैंडी ऑर्टन। तो वैसे आप इसमें क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो कि रिलेटेड है स्टेफनी मैकमैन के बारे में। तो स्टेफनी मैकमैन जो है वो WWE को छोड़ने वाली है, यानी कि वो हमेशा के लिए WWE को नहीं छोड़ने वाली है, वो कुछ समय के लिए WWE से ब्रेक लेने वाली है। यानी कि जो भी उनका वर्क होता है बैक स्टेज में प्रोड्यूसर के रोल पर या स्क्रीन पर TV पर जो भी उनका रोल होता है वो कुछ समय के लिए WWE को छोड़ने वाली है। उसके बाद वो अपना रिटर्न कर लेगी, लेकिन कुछ समय के लिए वो WWE से बाहर जाने वाली है और वो WWE को लीव करने वाली है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि रिलेटेड है नैस कार्टर के बारे में। तो नैस कार्टर फॉर्मर NXT टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन कुछ समय पहले WWE ने उनको रिलीज कर दिया था किसी कारण से। तो अब अपडेट यह है कि उनको रिलीज़ करने के बाद WWE 2K22 DLC पैक से भी उनको रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि उनको रिमूव कर दिया गया है। जो अगले महीने लॉन्च होने वाला है 2K22 DLC पैक, उसमें वो नहीं देखने वाले हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है उस गेम से, ऐसी अपडेट है। तो बस आप इसमें क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि रिलेटेड है रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस ने कुछ समय पहले WWE के साथ न्यू डील को साइन किया है, जहां पर उनको रिलैक्स शेड्यूल दिया गया है, यानी कि उनको ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल नहीं दिया गया है। उसके बाद से काफी सारे फ्रेंड्स का सोचना था कि क्या रोमन रेंस WWE को छोड़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं आपको बता दूं कि एक अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि जो रोमन रेंस है समर स्लैम के लिए वो पूरी तरह से बुक है, यानी कि जो भी स्मैकडाउन है रॉ है उसमें वो रेगुलर आने वाले हैं। ऐसी अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि जो रोमन रेंस है वो समर स्लैम के लिए पूरी तरह से शेड्यूल है, यानी कि जितने भी स्मैकडाउन और रॉ होने वाले हैं वो उसमें आने वाले हैं। जैसे कि 22 जुलाई का एक स्मैकडाउन है उसमें वो शेड्यूल है, 25 जुलाई का एक रॉ है उसमें शेड्यूल है, उसके साथ साथ समर स्लैम में वो शेड्यूल है, यानी कि समर स्लैम तक तो वो रेगुलर ही आने वाले हैं, चाहे वो स्मैकडाउन हो या रॉ में भी वो आते रहेंगे, ऐसा समर स्लैम तक तो कन्फर्म है। उसके बाद जो अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और वो भी है रोमन रेंस से रिलेटेड, यानी कि ये अपडेट भी रोमन रेंस से रिलेटेड है। तो कल के स्मैकडाउन में हमें जो RK ब्रो और उसके बीच टैग टीम टाइटल मैच देखने को मिलने वाला है, यानी कि टाइटल यूनिफिकेशन के लिए मैच देखने को मिलने वाला है। तो इसी मैच को रोमन रेंस प्रेडिक्ट करते हैं और वो अपने ट्विटर पर ट्वीट भी करते हैं, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, और उसमें वो ये कहते हैं कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं, यानी कि उसोस इस मैच को जीतने वाले हैं। रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि जहाँ उसोस इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट टैग टीम है, ऐसा रोमन रेंस कहते हैं। तो गाइस आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, RK ब्रो या उसोस, कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं शोरूम, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।